हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सास बहू और फ्लेमिंगो को, जिसे मैं शॉर्ट में ही रखकर आपको रिकैप करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि स्टोरी काफी ही छोटी है लेकिन एपिसोड्स काफी ही लंबे। वेल तो बड़े वीडियो की तरफ, जिससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी। वेल तो इस सीरीज की कहानी मोस्टली सावित्री पर बेस्ड है और उसकी दो बहुओं और एक बेटी पर, यानी कि बिजली, काजल और शांता पे, जो सभी लोग एक हस्तीपुर नामक गांव में रहते हैं, जो गांव नॉर्थ वेस्ट यानी कि डेजर्ट साइड है, जहां सावित्री को सभी लोग रानी बा के नाम से भी जानते हैं। अब वो अपनी फैमिली यानी कि अपनी बहुओं और बेटी के साथ में रानी कॉरपोरेटिव चलाती है, जिसमें वो मेडिकल हर्ब्स और बाकी कुछ टेक्सटाइलों के काम करती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये काम सिर्फ उसके ड्रग कामों को छुपाने के लिए ही किया जा रहा है। जी हाँ, रानी बा एक काफी बड़ा ड्रग कार्टल चलाती है, वो भी पूरे साउथ एशिया में, पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहती है, यानी कि जल्द ही रानी बा अपना वारिस चुनने वाली है। जिनमें से उसका वारिस कौन होगा, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि उसकी बहुएं और बेटी दोनों ही काफी ही हार्ड वर्किंग है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हमें सावित्री यानी कि रानी बाई का पास भी दिखाया जाता है, जो काफी ट्रॉमेटाइज था। जी हाँ, पास में उसके हस्बैंड को मार दिया गया था, वो भी ड्रग सेल करते हुए। पर इतना ही नहीं, बल्कि सावित्री को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया, वो भी उसी के हस्बैंड के ग्रुप के लोगों के द्वारा, जिनमें से एक शख्स को सावित्री ने तो मार दिया, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही वो अपने गाँव लौटी तो उसने देखा कि जिस शख्स को उसने मारा था, उस शख्स की बीवी और बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे, और ना चाहते हुए भी सावित्री को उस शख्स के बेटे को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई, जिसे उसने मना नहीं किया, और हंसते खेलते अपने बेटों के साथ उसने धीमन को भी बड़ा किया और साथ ही अपने बिजनेस को भी संभाला और धीरे धीरे उसे ग्रो भी किया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने अनजान लोगों को पनाह भी दी, जिस कारण ही आज रानी का पूरे गांव में दबदबा है और साथ ही सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि रानी बा ने अपने दोनों बेटे हरीश और कपिल को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और साथ ही अपने बिजनेस के बारे में भी। और वही बात करें धीमन की, तो धीमन रानी बा का एक हिसाब से राइट हैंड ही है, जो ऑलमोस्ट रानी बा के आधे कामों को संभालता है। लेकिन अब कपिल और हरीश को जबकि सब कुछ पता चल चुका है, तो उसे इस बात का उसे डर हो सकता है कि शायद उसे ओनरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि रानी बा उसे वारिस नहीं चुनेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि धीमन का अफेयर शांता के साथ भी है, जो कि रानी बा की बेटी है, और से भी उसे इस बात का डर लगा हुआ है कि मे बी उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा या फिर रानी बा उसकी जान भी ले सकती है। और वारिस चुनने की बात करें तो रानी बा ने सभी लोगों को जन्माष्टमी तक का दिन दिया है, यानी कि जितने दिन जन्माष्टमी को बचे हैं उतने दिन सभी लोगों के पास है कि वो लोग खुद को रानी कॉरपोरेटिव के लिए सही वारिस बता पाए, जिससे पूरी फैमिली में काफी टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है और ऑलमोस्ट हम नोटिस कर पाते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ बात करें बिजली और काजल की, तो दोनों काफी लंबे अरसे से इस पूरे बिजनेस में रानी बा की हेल्प करते हुए आए हैं, जिन्हें इस एम्पायर को किसी और को सौंपने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सच में रानी बा किसे अपना वारिस चुनने वाली है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हमें एक और शख्स मॉन्क के बारे में भी बताया जाता है, जिसकी दुश्मनी रानी से न जाने कब से चल रही है। जी हाँ, रानी का एक दुश्मन भी है, जो दुश्मन उसने अपने यंग एज में बनाया था, वो भी ड्रग कार्टरिंग करते हुए, जिसमें रानी ने एक बार उसके साथ बिजनेस करने का डिसाइड किया था, लेकिन मॉन्क ऐसा नहीं चाहता था और वो हमेशा से सावित्री को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम ये भी देख पाते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर परसून जीन रानी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि वो किसी भी हालत में उसके इलीगल बिजनेस को एक्सपोज करके रहेगा, जिससे उसका भी नाम हो सकता है। वेल तो अब बात करें कुछ कैरेक्टर्स की, जिनमें सबसे पहले हम देख सकते हैं काजल को, जिसकी शादी रानी के छोटे बेटे कपिल से हुई है। लेकिन काजल का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जिसे बचपन से ही उसके फादर ने बेच दिया था, और तब से ही वो काफी लंबे अरसे तक एक शख्स की कैद में रही, जिसे जाने अनजाने में रानी बा के लोगों ने छुड़ा लिया था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि काजल प्रेग्नेंट भी थी जिस बच्चे को उसने जन्म तक दिया, लेकिन वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली सरवाइव नहीं कर पाया, और तब से ही काजल रानी बा
माँ के साथ उसके बिजनेस को संभाल रही है। और दूसरी बहू बिजली की बात करें तो हमें पता चलता है कि वो लेस्बियन है, जिसे हरीश यानी कि सावित्री के बड़े बेटे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसने एक गर्लफ्रेंड भी बनाई हुई है जिसका नाम नैना है और वो डीजे का काम करती है। लेकिन साथ ही उन दोनों ने यहाँ से बर्लिन भाग जाने का प्लान बनाया है। और अब जबकि दोनों बहुओं की बात हो ही रही है तो उनमें से सबसे पहले बड़े बेटे हरीश की बात करें तो उसे देखकर कोई भी यही कह सकता है कि वो एक मेन चाइल्ड है। जी हाँ, हरीश बड़ा तो है लेकिन सबसे ज्यादा बेवकूफ भी, जिसे ड्रग्स की लत है और साथ ही लड़कियों का शौक, जिस बारे में बिजली को सब कुछ पता है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि कपिल जो कि एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, जिसे अपनी वाइफ काजल से काफी प्यार है। लेकिन अब वो दोनों, जैसे कि हमें पता ही है कि अपने गांव लौट आए हैं, जहां वो लोग कुछ समय अपनी फैमिली के साथ गुजारना डिसाइड करते हैं, जिसके लिए उन लोगों का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता। और उसी के साथ अब बात करें शांता की यानी कि सावित्री की बेटी की, तो उसे घर में सबसे ज्यादा फ्रीडम दिया गया है, वही जो फ्रीडम काजल और बिजली को नहीं दिया गया, क्योंकि वो दोनों बिजनेस को संभाल रहे हैं। पर बिजनेस को संभाल तो वो लोग रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के पीछे शांता का दिमाग है। जी हाँ, जो ड्रग्स वो लोग फ्लेमिंगो नाम से बेच रहे हैं, उसे बनाने में शांता का ही हाथ है। और उसी के साथ वो एक नए ड्रग्स पर काम भी कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी होती हैं। जी हाँ, शांता ने एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसमें उन लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और साथ ही काफी चीप रेट में वो नशा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उस नशे के लिए सभी लोग रानी बाकी वाहवाही जरूर करेगी। पर इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया ही कि शांता और धीमन का अफेयर चल रहा है, जिस बारे में कपिल को जैसे ही पता लगता है, वो भी धीमन के वफादार से ही, तो वो उस बात से इतना चिढ़ जाता है कि वो शख्स को मार गिराता है और काफी दिन गिल्ट में भी गुजार देता है। लेकिन अपनी वाइफ से कन्फेस करने के बाद उसे थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ही कि इस फैमिली के पीछे एक खतरा मंडरा रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि परसून जीन है। जी हाँ, उसे यहाँ पर इलीगल बिजनेस को ढूंढने के लिए भेजा तो गया था, लेकिन वो कारण क्या है, उस कारण की बात करें तो वो कारण महाराष्ट्र डेप्यूटी CM का बेटा है, जिसने फ्लेमिंगो लिया था, लेकिन वो ड्रग्स काफी हाई डोज हो गया, जिस कारण डेप्यूटी CM का बेटा अब कोमा में है और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन धीमन को इस बात का सच पता चल जाता है कि उनके फ्लेमिंगो में मिलावट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मॉम था, जिस कारण वो अपने रास्ते में बिछे हुए एक आटे यानी कि मुंबई के बड़े ड्रग्स सप्लायर को खत्म करने में कामयाब होता है। इसके बाद बात करें इसके लास्ट एपिसोड की, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स में हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से सभी लोग अपनी जिंदगी काटने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वारिस बनने की भी। तो लास्ट एपिसोड में हम देख पाते हैं कि मॉन्क हवेली पर हमला करने ही वाला है, वो भी जन्माष्टमी के पहले, जिसकी प्रिपरेशन के बारे में धीमन को पहले से ही पता चल जाता है और रानी अपनी पूरी टीम लेकर उस पर हमला बोल देती है। लेकिन जब वो मॉन्क को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है, तो उसी दौरान साहिब जी यानी कि रानी का करता धरता वहाँ पहुँच जाता है, जिसने बुरे वक्त में रानी का काफी साथ दिया है, पर रानी ने भी उसके एहसान चुकाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। और अब जबकि साहिब जी वहाँ पुलिस लेकर पहुँचा था, तो वो सारा ड्रग का इल्जाम और किसी पर नहीं बल्कि मॉन्क पर लगा देता है, जिससे अब रानी भी बच चुकी है और साथ ही साहिब भी। पर साहिब को इसके बदले रानी से यानी कि रानी बा से कुछ चाहिए, जो वो वक्त आने पर उसे बताएगा। और वहीं पर सोन की बात करें तो उसे रानी बा के लोगों ने कैप्चर कर लिया है, जो भावनाओं में काफी बह गया था, क्योंकि उसे उसके सीनियर का कॉल आया था, जिन्होंने उसे ये कहा कि उसे लौटना होगा, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। जिस बात से परसोन हर बार काफी परेशान रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा केस सॉल्व करने के बाद उसे वापस बुला लिया जाता है, और इस बार भी उसने बकरियों के पेट से कोकेन के पैकेट ढूंढ निकाले थे, लेकिन रानी बा के लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया। और जबकि सभी लोग जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो रात के वक्त हम देख पाते हैं कि रानी बा सभी लोगों को यानी कि अपने परिवार वालों को बुलाकर यही उन्हें कहती है कि उनमें से कौन ब्रेव है ये देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें जिस शख्स को मारना है वो बिल्कुल ही इनोसेंट है, जो अपना काम काफी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन फिर भी रानी कॉर्पोरेटिव के लिए उन्हें उसे मारना होगा, जिसे मारने के लिए धीमन रेडी है। पर परसों उन लोगों को रोक देता है और रानी बा को यही कहता है कि वो रानी बा से कुछ बातचीत करना चाहता है, वो भी अकेले में, क्योंकि उसे वहाँ खड़े बाकी लोगों पर ट्रस्ट नहीं। और अब जबकि सभी लोग बाहर वेट ही कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि परसों रानी बा को किडनैप कर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। साथ ही
जीयस ने उस कार को एक रिवर में भी गिरा दिया है, जिससे रानी बाकी मौत हो जाती है और परसौन की बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई। जिसके यानी कि रानी बाकी फ्यूनरल के बाद हम फैमिली गैदरिंग को देख सकते हैं, जो सभी लोग बैठकर फाइनल रानी बाकी दिए हुए वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही उससे उन्हें ये भी पता चलेगा कि असल वारिस रानी बा ने किसे चुना है। लेकिन जो लॉयर उन्हें इस बारे में बताने वाला होता है उसे मॉन्क पहुंच मार देता है और वहां हमें पता चलता है कि साहिब जी इतने टाइम से ही मॉन्क की हेल्प करते आ रहे थे। साथ ही मॉन्क ने अब विल को जला दिया है, जिसे किसी भी पढ़ने नहीं दिया गया। और जब वो दूसरे फैमिली मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो काजल गन निकाल शांता पे गन तान देती है और उससे हमें ये पता चलता है कि काजल लंबे अरसों से मॉन्क के लिए काम करती आ रही है, क्योंकि उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था। जी हाँ, काजल का बेटा जिंदा था, जिसे रानी बा ने हटा दिया और एडॉप्शन के लिए दे दिया, जिस बारे में मॉन्क को पता चला। और उसका ध्यान और कोई नहीं मॉन्क ही रख रहा था, जिसे वापस पाने के लिए काजल ने ये सब किया। पर इतना ही नहीं बल्कि रानी बा के वफादार चीमा से हमें ये पता चलता है कि रानी बा और उन लोगों का कुछ अलग ही प्लान था। जी हाँ, रानी और चीमा ने मिल ये सब प्लान किया था कि उन्हें असल ये पता चल सके कि फैमिली में से कौन कतार है। और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि जब नैना बिजली से मिलने के लिए इस गांव में पहुंची थी और दूसरी सुबह जब यहाँ से निकलने ही वाली थी तो उसे रानी बा ने मरवा दिया और अपनी डेड बॉडी से रिप्लेस करने के लिए उसे अपने ही घर में छुपा दिया, जिसमें वो बड़ी ही आसानी से कामयाब हुई और नैना की बॉडी उसके काफी काम आई। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि परसौन भी इन चीजों में मिला हुआ था और ये बात यही जाहिर करती है कि परसौन भी जिंदा होगा। साथ ही ये शो खत्म होते होते हमें रानी बा को दिखाया जाता है, जो कैमरा रूम से उठ यानी कि जो रिकॉर्डिंग रूम से उठ हॉल की तरफ बढ़ रही है। और इन सारी चीजों से हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रानी मॉन्ग साहिब जी और काजल का क्या हाल करने वाली है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सपीरियंस चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।